सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वर लेवल पे जाना है। ठीक है, सर्वर के अंदर उसे चेंज कर दिया सर्वर। अब सबसे पहले हमें DHCP सर्विस इंस्टॉल करनी है, तो स्टार्ट एडमिन टूल। ठीक है, सर्वर मैनेजर पे जाना है। ठीक है, सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद हमें एड रोल पे क्लिक करना है। सर्वर मैनेजर रोल सिलेक्ट करने, ठीक है, एड रोल नेक्स्ट करना है, DHCP सर्वर सिलेक्ट करना है नेक्स्ट। इसी में हमारी स्कोप रेंज भी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। नेक्स्ट करना है, 10.0.0.3 मेरे सर्वर का IP एड्रेस है। नेक्स्ट करना है, प्रेफर्ड DNS सर्वर में लूपबैक एड्रेस आ रहा है, वो कहाँ से अटैच हो रहा है हमारा प्रेफर्ड DNS सर्वर, जो हमने DC प्रोमो चलाया था एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके अंदर मैंने प्रेफर्ड DNS सर्वर में IP एड्रेस डाला था, सेम IP एड्रेस जो सर्वर का IP एड्रेस था। ठीक है, अब उसको हम रीनेम करेंगे, या देखते हैं RTCP IP version 4 प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो लूप बैक एड्रेस आ चुका है, इसको रफ करके 10.0.0.3 करना है, वापस ओके करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 10.0.0.3। ठीक है, वैलिडेट करना है, वैलिड हो गया। नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर हमें स्कोप रेंज ऐड करनी है DHCP की, ऐड पे क्लिक करना है, स्कोप नेम देना है ST-1, स्टार्टिंग IP एड्रेस देना है, जैसे मेरा 10.0.0, यहाँ पे मैंने IP एड्रेस दिया स्टार्टिंग 90, एंडिंग IP दिया 10.0.0.1.1.0। ठीक है, सबनेट मास्क मेरा आ गया। दूसरी चीज एक ध्यान रखनी है कि सबनेट टाइप वायर्ड कनेक्शन होगा तो 8 डेज का लाइफ टाइम इसका ड्यूरेशन होगा DHCP सर्वर का, और अगर वायरलेस होगा तो 8 आवर्स का होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऑटो रिन्यू होता रहता है ऑटोमेटिकली, 80% से जैसे इसका टाइम खत्म होता है ऑटो रिन्यू हो जाता है नेक्स्ट आगे 100% के लिए, यानी 80-20 रूल इसमें चलता रहता है, ऑटोमेटिकली रिन्यू करता रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने रेंज दे दी यहाँ पे 90 से लेकर 110 तक। नेक्स्ट किया, यहाँ पर एक नया फीचर है DHCP version 6 स्टेटलेस मोड। स्टेटलेस मोड क्या है, IP version 6 के अंदर हम DHCP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसके लिए स्टेटलेस मोड दिया गया। अगर हम इसको एनेबल करेंगे तो IP version 6 का इसको ऑटोमेटिकली DHCP version 6 IP एड्रेस दे देगा। अगर हम इसको डिसेबल करते हैं तो हमें मैनुअली रेंज बनानी पड़ेगी, जैसे अभी हमने बैक साइड से IP version 4 की रेंज बनाई है। तो हमें यहाँ पे डिसेबल करें चाहे अनेबल करें, अभी हमें फिलहाल अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम IP4 कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, orange.com मेरा पेरेंट डोमेन नेम है, आगे यहाँ पर इतनी चेंजेस करना। नेक्स्ट करना है, यूजर क्रेडेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के जिसको फुल अथॉरिटी है वही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ तक हमारा DHCP सर्वर फुल फ्लैश तैयार हो जाएगा। उसकी मैनेजमेंट DHCP का खोलने के लिए आप स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल DHCP में जा सकते हो, नहीं तो उसका शॉर्टकट चला सकते हो, स्टार्ट रन DHCP npmt.lst और ओके DHCP management.microsoft.control। अब किस तरीके से करना है, क्लोज किया मैंने, क्लोज करने के बाद सर्वर मैनेजर क्लोज कर दिया। एक तो ये तरीका है स्टार्ट एडमिन टूल DHCP में जाके, दूसरा तरीका स्टार्ट रन से DHCP npmt.msc लिख के एंटर करा, यहाँ पे DHCP मैनेजमेंट खुल जाएगा। इसके अंदर हम स्कोप देखेंगे तो हमारे पास ये स्कोप आ जाएगा, IP version 4 देखा, स्कोप देखा, ये हमारे पास एड्रेस पूल रेंज आ गई 90 से 110। ठीक है, एड्रेस लीजेस में जाते हैं तो क्लाइंट का IP एड्रेस अभी किसी का लॉस नहीं हुआ। रिजर्वेशन यहाँ से हम रिजर्व कर सकते हैं, राइट क्लिक करके न्यू रिजर्वेशन, क्लाइंट का मैक एड्रेस डालेंगे, उसका IP एड्रेस रिजर्व कर देंगे यहाँ पे, और कुछ भी रिजर्वेशन का नाम डाल के ऐड कर देंगे, यहाँ से उसको रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, नया फीचर है ये 2008 सर्वर में DHCP मैनेजमेंट से फिल्टर्स का, कि हम किसी को डिनाई भी कर सकते हैं। उसमें 3 के मैक एड्रेस को अगर मैं न्यू फिल्टर पे लिख के मैक एड्रेस डाल दूँ उसका, तो उसको IP एड्रेस DHCP से कभी भी अलॉट नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमेशा हम ट्रैफिक IP डालेंगे।
डालने के बाद इसे राइट क्लिक करके एनेबल करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये रेड साइन है अभी डाउन फेज पे, ठीक है। तो हमारा ये एड्रेस लीजिस में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं विंडोज 7 के, तो यहाँ क्लाइंट साइड पे हम क्लिक करते हैं ओपन नेटवर्क एंड चेंज सेंटर पे जाते हैं। यहाँ पर चेंज एडेप्टर सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में GCP IP version 4 प्रॉपर्टीज में ऑप्शन एंड आई पी एड्रेस ऑटोमेटिकली ये करते हैं, नहीं तो IP config forward slash release IP config forward slash renew ये कमांड को हम की कमांड है ये डाल के भी हम इसको चला सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ ऑप्शन एंड आई पी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। ओके क्लोज और 2 मिनट का वेट करते हैं कैसे ये कनेक्ट होगा। वर्क नेटवर्क से हाथ जाए, ठीक है। और एक डॉट कॉम आ गया मेरा, मैं राइट क्लिक किया स्टेटस पे गए डिटेल्स पे गए। अब देखो 10.0.0.90 से मैंने रेंज स्टार्ट कर दिया, आ गया सबमिट मास्क आ गया। ये फेज का ड्यूरेशन टाइम है DHCP सर्वर 10.0.0.3 आ गया, ठीक है। DHCP सर्वर हो गया।